यूरोप के दीपक बुझ रहे हैं, हम उन्हें फिर जलते नहीं देख पाएंगे। 1914 की गर्मी में जब यूरोप युद्ध की तैयारी में था, तब ब्रिटिश विदेश मंत्री सर एडवर्ड ग्रे ने कुछ कहा। हालांकि उनके शब्द अद्भुत लगते हैं, लेकिन अगले 4 वर्षों में होने वाले परिवर्तन दुनिया को इतना बदल देंगे कि उनके परिणाम सदी के अंत तक हल नहीं होंगे, जब तक कि शामिल सभी प्रमुख लोग ग्रे सहित मर नहीं चुके होंगे। आज भी उस गर्मी के परिणाम अभी भी महसूस किए जा रहे हैं और हम सभी महायुद्ध की छाया में जी रहे हैं। पहली विश्व युद्ध। विश्व युद्धों में स्वागत है। आज की कड़ी मैगेलन टीवी द्वारा प्रस्तुत। यदि आप भी इतिहास प्रेमी हैं तो आपने भी मेरी समस्या का सामना किया होगा, पुराने विषयों पर बात करने का, जिस पर मैं काफी समय से काम कर रहा हूं। हां, हमें रोम के बारे में पता है। हां, हमें द्वितीय विश्व युद्ध की जानकारी है। ये महत्वपूर्ण कहानियां जो सुनानी चाहिए। उम्मीद है कि किसी ने कहीं नई सूची का शुभारंभ किया होगा ऐतिहासिक सामग्री का, जैसे कभी नहीं देखा। खैर, मैगेलन टीवी ही उत्तर है। मैगेलन टीवी एक अनोखी डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यू सीरीज स्ट्रीमिंग सेवा है, जिसे फिल्मकारों की टीम ने बनाया है। यह एक श्रृंखला है जिसमें फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और इतिहास से संबंधित अविश्वसनीय मिश्रण ऑनलाइन बनाया गया है। उप शैलियां प्राचीन से आधुनिक इतिहास और युद्ध की कला तक हो सकती है, जो वर्ल्ड ऑफ वॉर्स के प्रशंसकों के लिए आदर्श हैं। सच्ची अपराध या विज्ञान जैसे विषयों के लिए अनेक घंटों की सामग्री उपलब्ध है। साइट पर प्रत्येक सप्ताह 15-20 घंटों की विज्ञापन रहित सामग्री अपलोड होती है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर, चाहे वह टेलीविजन हो या टेलीफोन, उपलब्ध होती है। मैगेलन टीवी ऐप रोकू, अमेजन फायर टीवी, एप्पल टीवी और गूगल प्ले सेवाओं के साथ संगत है। कोजोका, द स्प्रिट लिव्स, 99 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, पैसिफिक युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले डिगर्स के जुनून और साहस का विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। यह आपको खड़ा होकर ताली बजाने पर मजबूर करेगा। यह युद्ध पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और उनकी कहानी पर दृष्टिकोण देने का तरीका है, जैसा हम वर्ल्ड ऑफ वॉर्स में करते हैं। मैगेलन टीवी के लिए दिए गए लिंक से साइन अप करें और पहला महीना मुफ्त पाएं। नई इतिहास सामग्री का इंतजार है। तो इतिहास की इस महान आपत्ति को आखिर क्या उत्तेजित करता है? 20वीं सदी की शुरुआत में इतिहासी आपत्ति का उत्तेजना कैसे हुई? यूरोप एक क्रॉसरोड्स पर था। यह अभी भी पुराने विक्टोरियन विचारों जैसे साम्राज्यवाद, वर्ग संस्कृति और साम्राज्य से जुड़ा था। वहीं समाजवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र जैसे नवीन विचारों और प्रौद्योगिकी के उपयोग, विशेषकर संचार में, जैसे विस्तारित रेल नेटवर्क ने महाद्वीपीय यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाया, और बढ़ती साक्षरता ने यह सुनिश्चित किया कि लगभग हर देश में परिवर्तन की मांग थी। वह व्यक्ति ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड थे, जिसे लगा कि पुराने तरीके धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। राजसी अनुपालन के समय फर्डिनांड कुछ हद तक विद्रोही थे। उन्होंने प्यार के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन का दावा त्याग दिया, अपनी स्थिति की बजाय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए काम किया, अक्सर उग्र नीतियों के माध्यम से। उन्होंने ट्सार निकोलस II और रूस की साम्राज्यीय सरकार के साथ दुश्मनी समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास में भाग लिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में समयानुसार परिवर्तन की आवश्यकता को भी महसूस किया। यह साम्राज्य पूर्वी यूरोप और बाल्कन में विस्तृत था और इसमें विभिन्न जातीय और धार्मिक दल शामिल थे, जिन्होंने एक दूसरे का विश्वास नहीं किया और नफरत की, जिसके फलस्वरूप 1900 के दशक में हिंसा और आतंकवाद बढ़ गए। विशेष रूप से बाल्कन के धरोहर में जातीय तनाव उच्च थे, जैसे कि स्वतंत्रता के राष्ट्रवादी आदर्श थे जिन्हें पड़ोसी सर्बिया ने बढ़ाया, जिनकी रुचि बाल्कन में ऑस्ट्रो हंगेरियन नियंत्रित क्षेत्र में
कई जातीय सर्बों के साथ थी। सर्बिया साम्राज्यवादी रूस के साथ गठबंधन में था, जो बार बार फ्रांस के साथ गठबंधन में रहे। रूस ने सर्बियाई लोगों को सहपाठी स्लाव मानते हुए युद्ध होने पर उन्हें ऑस्ट्रो हंगेरियाइयों से बचाने का संकल्प लिया, जिसमें फ्रांस का भी शामिल होना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरी के पड़ोस में उनका सहयोगी जर्मनी था। 1871 में बनी जर्मनी यूरोप में छोटे देश की तरह थी, परंतु 1914 में इसने अपने यूरोपीय पड़ोसियों को पीछे छोड़कर समृद्ध देश बनने का काम किया। यद्यपि यह अहंकारी कैसर विल्हेल्म द्वितीय की शासनकाल था, जो रानी विक्टोरिया के पोते और सैन्यवाद एवं साम्राज्यवाद के अप्रचलित आदर्शों के समर्थक थे। उन्होंने और उनकी सरकार ने 20वीं सदी को जर्मनी के सुपर पावर बनने के अवसर के रूप में देखा, लेकिन इसके लिए उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी पुरानी शक्तियों को चुनौती देनी पड़ी। विल्हेल्म द्वितीय ने एक बड़ी सेना और नौसेना निर्मित की, जिससे उन्होंने वैश्विक प्रभाव स्थापित किया। जर्मनी की संपत्ति को अफ्रीका, चीन और प्रशांत महासागर में सुदृढ़ करते हुए विरोध को क्रूरतापूर्वक दबाया। 1890 के दशक में यूरोपीय हथियार दौड़ में जर्मनी के हथियार कार्यक्रम ने युद्ध की संभावना बढ़ाई। ब्रिटेन तब विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्य थी और उसकी सुरक्षा और पुलिस के लिए विशाल रॉयल नौसेना थी। रॉयल नौसेना और ब्रिटिश के लिए जहाजों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार बावजूद अपनी ताकत की ब्रिटिश नौसेना का अधिकांश भाग पुराने जहाजों से बना हुआ था, क्योंकि उन्हें आधुनिक प्रकार से बदलना महंगा था। अत 1910 के दशक तक वह नौसेना जो यूरोप में सबसे अधिक था, अत्याधुनिक ड्रेडनॉट्स का मिश्रण, बुढ़ापे के क्रूजरों के समर्थन से कुछ को मस्तूलों के साथ लॉन्च किया था, जिसे अब हटा दिया गया था। भूमि पर फ्रांस की सेना जर्मनी की यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं का प्रमुख विरोधी थी। यह सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक थी, जिसमें 7,77,000 से अधिक पेशेवर सैनिक और 38,000 उपनिवेशी सैनिक शामिल थे, कायसर की 7,00,000 सैनिकों की तुलना में। फ्रांसीसी बल ये अधिकतम आधुनिक उपकरणों जैसे कि मशीन गन, नवीनतम तोपें और नई फैंगल विमानों से सुसज्जित थे, लेकिन जर्मनी के कैसर ने अपना प्रमुख प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यवादी रूस को माना, जिसकी 5.7 मिलियन सैनिकों की सेना दुनिया की सबसे बड़ी थी। यह प्रभावशाली आंकड़ा कई कारकों द्वारा पूरी तरह बाधित कर दिया गया था। एक कृषि मुख्य देश, इसकी युद्ध निर्माण और उत्पादन ने इसकी प्रभावशीलता पर प्रभाव नहीं डाला। यह भी सत्य है कि जर्मन सेना का आधार जर्मनी के मुकाबले कमजोर था, जिसके चलते रूस का उपकरण पुराना हो गया था। इसलिए मॉस्को और बर्लिन के बीच युद्ध में यह रूस की संख्या बनाम जर्मनी की गुणवत्ता का मामला होगा। इस संदर्भ में काइजर विल्हेल्म द्वितीय आत्मविश्वासी थे कि उनके लोग संख्या में कमी को पूरा करेंगे, फ्रांस के साथ पश्चिमी मोर्चे पर भी। बढ़ते हुए अशांत रूस में क्रांति की सदैव मौजूद धमकी भी थी। फिर भी इस हथियार दौड़ के बावजूद और पुराने यूरोप में सैन्य बाधाओं के सामने अधिकांश लोगों ने वास्तविक युद्ध की संभावना की अनदेखी की, बजाय इसके कि उन्होंने डिटरेंस की अवधारणा पर आधारित किया, जिसमें प्रत्येक पक्ष ने अपनी भारी सेनाओं और नौसेनाओं का निर्माण किया। आतंकवाद और क्रांति की समस्या को आसानी से नियंत्रित करना संभव नहीं था। अपने देश की बढ़ती समस्याओं को सुलझाने के लिए फ्रांस फर्डिनांड ने नई साम्राज्यवादी सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जिसमें 3 मुख्य दलों में से एक स्लाव सिंहासन को समानता से बांटेंगे। ऑस्ट्रो-हंगेरियन शासक वर्ग ने इस सुझाव को खतरनाक माना और कहा कि उन्हें अपनी वंशवादी संस्था की वजह से पागल कहा गया। उनका विकल्प असहमति पर कठोरता से कार्रवाई करना सिर्फ आक्रोश बढ़ा दिया। फिर भी फर्डिनांड बढ़ते हुए टूटते साम्राज्य को बचाने के लिए परिवर्तन के लिए दबाव बनाए रखा। 1914 में उन्होंने साम्राज्य दौरे का निमंत्रण स्वीकार किया। जून 8, 1914 को फर्डिनांड की ट्रेन और उनकी पत्नी ने बोस्निया की राजधानी को पहुंचकर सर्ब जनसंख्या में आक्रोश भड़काया। 2-8 जून को हर साल राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया जाता है, जो 1388 कोसोवो युद्ध में सर्बों की तुर्कों पर जीत की वर्षगांठ है। इसलिए यह ब्लैक हैंड सदस्यों के लिए सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा।
फर्डिनांड और पत्नी सोफिया की खुली छत वाली कार में यात्रा करते हुए उन पर एक ग्रेनेड फेंका गया। फर्डिनांड के ड्राइवर ने हथियार फेंकने की क्रिया देखकर गति तेज की, जिससे हमला असफल हुआ और विस्फोट उनकी कार के पीछे हुआ। हालांकि अविश्वसनीय भाग्य के मोड़ से दिन के बाद फर्डिनांड के जैसे सोफिया को ठहरने के लिए पैलेस ले जा रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया और वे गवरिलो प्रिंसिप ब्लैकहैंड के सदस्य के सामने पहुंच गए। उसने मौके पर पिस्तौल से गोली चला दी। दोनों अस्पताल जाते समय मर गए। फर्डिनांड ने अंत तक अपने प्रियतम को दृढ़ता से पकड़ा। राष्ट्रवादी अपनी जीत मना रहे थे, पर उन्हें अनभिज्ञता थी कि उन्होंने दुनिया पर क्या छोड़ दिया। यह ध्यान देते हुए कि हत्या के लिए सर्ब राष्ट्रवादी जिम्मेदार थे, कायजर ने ऑस्ट्रो हंगेरियाई से कहा कि वे सर्बिया को सजा देने में जो भी कदम उठाने का फैसला करेंगे उसे पूरी तरह से समर्थन करेंगे। अब प्रसिद्ध खाली चेक। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे विल्हेलम ने युद्ध के दबाव को चुपके से बढ़ाया। उन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियाई का सर्बिया पर हमला चाहा, यद्यपि इससे रूस के साथ युद्ध हो सकता था, जिसे वे मानते थे कि जल्द ही हराया जा सकेगा, क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियाई सेना ने पहले ही रूसी सेना को पराजित किया था। उन्हें यह भी विश्वास था कि जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरिया की संयुक्त शक्ति फ्रांस को बाहर रख सकती है, अगर वे अपने गठबंधन का सम्मान करते हुए रूस के साथ हस्तक्षेप करते। उनके विचार में यह अंततः उन्हें यूरोप पर सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने और जर्मनी को एक निश्चित सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की अनुमति देगा। फिर भी कायजर सरकार प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ थी। यदि महाद्वीप पर युद्ध हो, ब्रिटेन पहले जैसे कार्य करेगा। ब्रिटेन की सेना भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड से सैनिकों को मंगवा सकती थी और रॉयल नेवी जर्मनी के साम्राज्य को विदेश में नष्ट कर सकती थी। अपनी सेना की श्रेष्ठता का दावा करने के बावजूद कैसर को भी मानना पड़ा कि रूस, फ्रांस और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ना और बाल्कन में ऑस्ट्रो हंगरी का समर्थन करना बहुत अधिक था। ब्रिटेन ने जर्मन हमले के खिलाफ फ्रांस का समर्थन करते हुए भी फ्रांस के रूसी सहयोगियों से सतर्क रहा। लंदन और मॉस्को को यूरोपीय लक्ष्यों के लिए सहयोगी होना चाहिए था। वे दूर पूर्व में कठिन प्रतिद्वंद्वी थे। ब्रिटेन उस संवैधानिक संधि से बाहर रहा जो उसे युद्धों जैसे सर्बिया के आक्रमण में खींच लेती। फिर भी यूरोप की स्थिति को उसने उपेक्षित नहीं किया। ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ समझौता किया कि वह हमले की स्थिति में सहयोग करेगा, पर यह अनिवार्य नहीं था। 1914 के 23 जुलाई को फर्डिनांड की हत्या के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियाई ने सर्बिया को एक ऐसा अंतिम निर्णय दिया जिसे अन्य देशों को अस्वीकार करने के लिए बनाया गया था, और यह भी जानने की कोशिश की गई थी कि क्या उन्हें कायसर ने डिक्टेट किया था। अंतिम निर्णय में 6 मुख्य बिंदु हैं: सर्बिया को ऑस्ट्रो हंगेरी से दूर रखना, सर्बियाई सेनाओं पर नियंत्रण बनाना, सर्बियाई सेना को ऑस्ट्रो हंगेरी छोड़ने के लिए मजबूर करना और ऑस्ट्रो हंगेरी प्राधिकारियों को जांच संचालन का नेतृत्व करना। सर्बियाई ने रूस से मदद की अपील की, लेकिन समय कम था, इसलिए उन्होंने अंतिम निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, विशेषकर ऑस्ट्रो हंगेरियाई हत्या की जांच में शामिल होने और बोस्निया में ऑस्ट्रो हंगेरी विरोधी समूहों को छोड़ने को। जर्मनी की अड़ताव और अपनी मांगों की पूर्ति नहीं होने पर ऑस्ट्रो हंगेरी ने इस संदेश का प्रयोग सर्बियाई सेना के लिए किया था। 28 जुलाई 1914 आने वाले दिनों में घटनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। अंतिम निर्णय के बाद रूस ने संगठन करना शुरू कर दिया और जर्मनी ने उसी तरह प्रतिक्रिया की जब काइजर ने 1 अगस्त को रूस पर युद्ध की घोषणा की। अगले दिन फ्रांसीसी और जर्मन सैनिकों का जोनशुई में संघर्ष हुआ, पश्चिमी मोर्चे की पहली लड़ाई, और फ्रांस पर क्वाइली ने युद्ध की घोषणा की। फ्रांस ने ब्रिटेन से सहयोग की उम्मीद की, परंतु ब्रिटेन यूरोपीय घटनाओं से अधिक आयरलैंड के विद्रोह में व्यस्त था और आगे क्या करना है इस पर संदेह व्यक्त कर रहा था। काइजर विल्हेल्म ने फ्रांस पर त्वरित विजय चाही और पेरिस के लोहे के द्वार पर लोंगवेल में हमला किया, जानते हुए कि फ्रांस की पराजय से वह देश जर्मन सैनिकों के नियंत्रण में हो सकता है। हालांकि उन्होंने अपनी सेनाओं को तटस्थ बेल्जियम के माध्यम से भेजने की गलती की। काइजर द्वारा खारिज की गई ब्रिटेन की बेल्जियम संधि उनकी तटस्थता की सुरक्षा करती थी, बस एक छोटा कागज का टुकड़ा।
ब्रिटेन की इन अनादरणीय शब्दों ने अंततः लंदन को 4 अगस्त को जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी पर युद्ध घोषित करने पर मजबूर कर दिया। 1914 के 7 अगस्त को ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स की पहली सेनाएं फ्रांस में उतरी, बेल्जियम और उत्तर पूर्वी फ्रांस में बढ़ रहे जर्मनों की ओर बढ़े। युद्ध की शुरुआती दिनों में विरोधी खाई युद्ध नीति के विपरीत तरल प्रकृति और तेजी से बदलती रणनीतिक स्थिति ने खुफिया जानकारी को दोनों पक्षों के लिए शीर्ष प्राथमिकता बना दिया था और नई तकनीकें उत्तर देंगी। कायसर ने उस्मानी साम्राज्य के साथ एक गुप्त समझौता किया था जिसे आधुनिक दिनों के तुर्की ने नेतृत्व किया। यह बात किसी को भी नहीं पता थी। जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और उस्मानी साम्राज्य ने ट्रिपल गठबंधन बनाया। उस्मानी साम्राज्य ने 1914 के 28 अक्टूबर को काले सागर के रूसी बंदरगाहों पर हमला कर युद्ध शुरू किया, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने 4 नवंबर को उन पर युद्ध की घोषणा की। कायसर ने अपनी सेनाओं से बीमार उस्मानी साम्राज्य को जर्मनी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। शुरुआती विजयों और भौगोलिक लाभों के प्रलोभन से उन्हें ना भाग लेने के संभावित परिणामों की चेतावनी दी गई। इस प्रकार यूरोप की हर प्रमुख शक्ति अब युद्ध में संगठित हो गई थी। साथ में कायजर जर्मनी की केंद्रीय शक्तियों का सहयोगी बने। कई देशों के साम्राज्य होने से लड़ाई निर्धारित रूप से विश्व के अन्य भागों में, अंत में अफ्रीका, मध्य पूर्व और दूर पूर्व तक फैल गई। इसका प्रमाण शत्रुता की शुरुआत के एक सप्ताह बाद ही मिला, जब जर्मन जहाज SS पफाल्ज को मेलबर्न के दक्षिण में ऑस्ट्रेलियाई बलों ने गोली मारी और पकड़ लिया, जो सर्बिया से 8,500 मील दूर था। कुछ दिनों में दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई बलों ने जर्मन सेना को पकड़ा और बाद में ब्रिटिश और फ्रांसीसी बलों ने पश्चिम अफ्रीका के जर्मन टोगोलैंड पर कब्जा किया। यूरोप की महाशक्तियां 60 से अधिक वर्षों के लिए पूर्ण प्रमाण में युद्ध में शामिल नहीं हुई थीं, जिस समय औद्योगिक क्रांति फली फूली थी। इस प्रकार युद्ध की तकनीक ने युद्ध के आयाम बदल दिए, परंतु दुखदता सैन्य रणनीतियां समयानुसार अनुकूल नहीं हुईं। पहले युद्ध नहीं होता था। आरंभिक युद्धों में कई फ्रांसीसी सैनिक अभी भी पारंपरिक नीले ट्यूनिक पहनते थे। बाद में उन्होंने स्नाइपर्स से छिपने के लिए उदास रंगों का उपयोग किया। मशीन गन शायद हथियारों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण था। मशीन गन के सभी संस्करण एक समान तरीके से काम करते हैं, जहां एक गोली चलाने की ऊर्जा तत्काल ही अगली गोली को लौट करती है। इससे एक व्यक्ति एक समय में 400 से 500 गोलियां चला सकता है। पुराने समय में मशीन गन प्रति मिनट 100 गोलियां और बोल्ट एक्शन राइफल केवल 10 से 20 गोलियां चलाती थी। इसका एक मुख्य प्रभाव पारंपरिक तकनीकों पर पड़ा, जो अभी भी खुले मैदानों पर घुड़सवार सैनिकों के साथ घुड़सवार चार्ज के महत्व को प्राथमिकता देते थे। जब युद्ध मात्र एक महीने का ही था, तो पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर प्रमुख योद्धाओं द्वारा पहले ही लगभग 3/4 लाख घायल हो चुके थे, और यह खुले मैदानों के परिपूर्ण तूफान की वजह से था। यह सैन्य बलों की शक्ति देखने का अद्वितीय अवसर था। युद्ध स्वयं मात्र 30 दिनों का ही था। हवाई जहाज जल्दी ही युद्ध के लिए एक नया उपकरण बन जाएगा। राइट ब्रदर्स द्वारा 11 वर्ष पहले आविष्कारित हवाई जहाज की सैन्य भूमिका पर होने वाले संदेह, जब सैन्य नेताओं ने इसे दुश्मन का पता लगाने का उपयोगी उपकरण माना, तो उत्साह में बदल गए। तोपखाने के हमले 1914 के सितंबर में सहयोगी देशों के पश्चिमी मोर्चे से पूरी तरह हटने और पेरिस के गिरने की कगार पर होने के साथ, एक फ्रांसीसी विमान ने जर्मन लाइनों की कमजोरी खोजी और सहयोगी देशों को प्रतिहमला करने की अनुमति दी। इससे पेरिस और शायद फ्रांस गिरने से बच गए, जिसने युद्ध की दिशा को बदल दिया। यह इतिहास में पहली बार था जब एक विमान ने एक युद्ध की दिशा पर अत्यधिक प्रभाव डाला। वास्तविकता यह है कि दोनों पक्षों के विमान खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और तोपखाने की निगरानी में इतने सक्षम हो गए थे कि उन्हें रोकने के लिए कोई उपाय खोजना पड़ा। इसीलिए पायलटों ने विमानों का उपयोग शत्रु विमानों को नष्ट करने के तरीकों में किया, जिससे अजीब प्रयोग हुए, जैसे कि दुश्मन विमानों को पकड़ने के लिए एंकर का उपयोग। विमानों पर बंदूकें होनी चाहिए थीं, लेकिन अधिकांश प्रारंभिक मशीनें मशीन गन के लिए कमजोर थीं। उनकी क्रू ने दुश्मन पायलटों पर पिस्तौल और राइफल चलाने की कोशिश की, जो कभी कभी दुश्मन को चेताने के लिए ही पर्याप्त थी, क्योंकि विमान को मारना असंभव था।
युद्ध ने विमान और हथियार विकास की गति को तेज किया, जिससे पहले सच्चे लड़ाकू विमान का जन्म हुआ, जिसे लड़ाकू स्काउट कहा गया और जिसने आकाश को क्रूर हत्या क्षेत्र में बदल दिया। मशीन गन को प्रोपेलर के चारों ओर लगाया गया था, क्योंकि वह प्रोपेलर के माध्यम से आग नहीं लगा सकती थी। इससे लक्ष्य बनाना मुश्किल हो गया। कुछ विमानों ने पिछले हिस्से में प्रोपेलर रखा ताकि समस्या न हो, परंतु जर्मन लोग प्रोपेलर के घूर्णन के साथ गण को समन्वित करने पर विचार करेंगे। यह मतलब था कि जब वे घूमते थे, गोलियां ब्लेड के बीच से गुजरती और ब्लेड गन के सामने आती या साफ होती, तो गोलियां रुकती या चलती। युद्ध के समय लड़ाकू पायलट सेलिब्रिटी बने, जिनमें प्रमुख थे मनफ्रेड वॉन रिच्थोफेन, जिन्हें हमेशा लाल बारन के नाम से याद किया जाएगा। रिच्थोफेन की विरासत उनके 88 मारने के अंक से ज्यादा थी। उनकी महानता उनकी योग्यता में थी कि वे अधीनस्थों को युद्ध कौशल सिखा सकते थे। उन्होंने हवाई युद्ध के लिए प्रशिक्षण गाइड लिखे, जिनके निर्देश आज भी पायलटों को सिखाए जाते हैं। युद्ध के दौरान हवाई हमला भी फलने लगा। यह शुरू में सेना की तोपखाने के विस्तार के लिए उपयोग होता था, पर युद्ध के वृद्धि के साथ विमान भारी और शक्तिशाली हुए। रिच्थोफेन ने पहले सामरिक बमबारी हमले दुश्मन शहरों पर की, जबकि पायलट युद्ध को आकाश में ले गए, नाविक युद्ध को समुद्र के नीचे ले गए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध पनडुब्बियों के व्यापक उपयोग वाला पहला प्रमुख संघर्ष था। पनडुब्बी युद्ध एक नया अवधारणा नहीं थी। पहला पनडुब्बी हमला अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान हुआ था, लेकिन यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उम्र में आ गया और इसका प्रभाव युद्ध पर अद्भुत था और पूरी तरह से अनपेक्षित। 22 सितंबर 1914 को पनडुब्बी ने शक्ति प्रदान की थी। जर्मन पनडुब्बी U-9 ने 3 ब्रिटिश क्रूजरों को डुबोचा। पहले को डुबोने के बाद अन्य उसे मदद करने के लिए वहां पहुंचे, मानते हुए कि उसमें कोई खराबी थी। इसने उन्हें U-9 की आसान प्रेय बना दिया, जिसने उन्हें जल्दी डुबो दिया। 1000 से अधिक पुरुषों की मृत्यु हुई और अभेद्य ब्रिटेन का रॉयल नेवी पनडुब्बी नौसेना के सामने अब बेहोश दिखाई दे रहा था। जर्मनी की U-नौकाएं ब्रिटेन को कार्गो जहाजों द्वारा पहुंचाई जा रही खाद्य और युद्ध सामग्री से वंचित करने का प्रयास कर रही थीं, जो युद्ध में महत्वपूर्ण थी। उनके हमलों के खिलाफ बिना रक्षा के एकमात्र उम्मीद थी उन्हें हवाई जहाज से पकड़ने और बम करने या समीप के जहाजों से गोलीबारी की कोशिश। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की पनडुब्बियों की सार्वजनिक धारणा के विपरीत, वास्तव में उन्होंने अपने 99% समय का व्यतीत सतह पर सामान्य डीजल इंजन और बैटरियों का उपयोग करके डुबकी लेने पर संचालित होने वाले इन्हें सहयोगियों ने पूरी तरह से उपयोग किया, जो शुरुआत में समुद्री लेनों की तलाश और उन्हें बम से खोजने के लिए बालून और बाद में हवाई जहाज का उपयोग करते थे। पनडुब्बी की संकुचित स्थितियों में ड्यूटी मनस्तापक और खतरनाक थी। अक्सर उनकी पनडुब्बियां दुश्मन के बराबर ही खतरनाक होती थीं। कई दुर्घटनाओं में खो गई थीं, विशेषकर उनकी बैटरियों से, जो रिस सकती थीं जहरीली गैस। पूर्वी फ्रांस में जर्मन सेना से मुठभेड़ के एक सिलसिले के बाद ब्रिटिश और फ्रेंच ने मार्न नदी की ओर हटना शुरू कर दिया, जिसे महान पीछा कहा जाने लगा। मार्न पहुंचने पर ब्रिटिश और फ्रेंच ने जर्मन सेना की आगे बढ़ने की गति को प्रभावी रूप से रोक दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास किया, जिससे युद्ध रेखाएं विस्तारित हो गईं। मध्य अक्टूबर तक उन्होंने उत्तरी समुद्र को पहुंच लिया और उन्हें अपनी स्थितियां मजबूत करके दुश्मन की रेखाओं को तोड़ना पड़ा। दोनों पक्षों को विपक्षी गोलीबारी से और उनकी सामने की रेखाएं बनाए रखने के लिए खड़ा होना जरूरी था। अक्टूबर अंत और नवंबर में दोनों पक्षों ने यप्रेस की पहली लड़ाई की तरह एक युद्ध श्रृंखला लड़ी। ब्रिटिश, फ्रेंच और बेल्जियम ने जर्मन सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने सफलता प्राप्त की, लेकिन इसके बदले में 130,000 सैनिक मरे या घायल हुए। जर्मन्स ने भी 133,000 हानि झेली और उनकी पश्चिमी सहयोगी सेनाओं के साथ मिलने और पूर्व में युद्ध लड़ने की आवश्यकता ने उन्हें बड़े हमले की योजना 1915 तक टालने पर मजबूर कर दिया। देरी ने दोनों पक्षों को जटिल खड़ियां बनाने का समय दिया, जिसने स्थिति को और जटिल बनाया। ऑस्ट्रो-हंगेरियन सेना ने फ्रांज फर्डिनांड की हत्या के बाद सर्बिया में प्रवेश करके बदला लिया, जिससे
युद्ध शुरू हो गया। सर्बियाई सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया और उन्होंने सर्बियाई लोगों पर अत्याचार किए। सर्बियाई लोगों को विजय के बाद सहायता और सैनिक मिले, लेकिन अंत में वे पराजित हो गए। एक संयुक्त ऑस्ट्रो-हंगेरियन, जर्मन और बल्गेरियन सेना ने आगामी महीनों में सर्बियाई सेना के साथ लड़ाई जारी रखी, जिसमें मुमसिलो गवरिक भी शामिल थे, जिन्होंने एक सर्बियाई सेना इकाई में शामिल होने के बाद कॉरपोरल पद प्राप्त किया था। जापान ने ब्रिटिश के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया और एक संयुक्त ब्रिटिश जापानी सेना ने चीन में जर्मन नियंत्रित क्षेत्र को कब्जा किया। जर्मन नौसेना ने भारत और फ्रेंच पॉलिनेशिया में ब्रिटिश स्थलों पर हमला किया, लेकिन उन्हें तंजानिया और फॉकलैंड्स में हारना पड़ा, जबकि ऑस्ट्रो-हंगेरियन और जर्मन सेनाएं ने रूसी सेना के खिलाफ अधिक सफलता प्राप्त की। रूसी सेना ने 1914 में कई हारें सहन की, जिसने देश की आक्रोश को बढ़ाया। ऑटोमन सेना द्वारा रूसी बलों पर ब्लैक सी में आकस्मिक हमला ने भी स्थिति नहीं बदली। वर्ष का अंत जर्मन युद्धपोतों द्वारा स्कारबरो और हार्टल पुल पर हमले से हुआ, जिसने युद्ध की प्रकृति बदल दी। इसने ब्रिटेन की नौसेना की आपराधिकता का प्रमाण दिया और नागरिकों की हत्या ने नए सैनिकों की भर्ती में वृद्धि की। वर्ष का अंत ब्रिटेन पर वायु हमलों के साथ हुआ। 1914 के क्रिसमस डे पर जर्मन जेपेलिंस की कहानी में मानवीय सहानुभूति की एक किरण देखने को मिली। दोनों पक्षों के सैनिक खाइयों से बाहर आए, अधिकृत युद्ध विराम की घोषणा की, बातचीत, गाना गाना, राशन साझा करना और फुटबॉल खेलना शुरू किया। जनरल ने इसे दुश्मन के साथ मिलना और हमले की संभावना के विरोध में देखा। युद्ध विराम समाप्त हो गया और अगले दिन फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। फिर से शुरू हो गया। सैनिकों को खाइयों में जीवन शारीरिक और मानसिक तनाव दे रहा था। लगभग 450 पुरुषों को 275 यार्ड खोदने में 6 घंटे लगते थे, आमतौर पर रात में, ताकि दुश्मन को खाई का विस्तार न सूचित हो। हालांकि खाइयों का आकार और डिजाइन इस पर निर्भर करता था कि क्या हाथ से खुदाई जा सकती थी। ब्रिटिश खाई 7 फुट गहरी और 6 फुट चौड़ी थी, जो दुश्मन की गोलियों और मशीन गन से सुरक्षा देती थी। बारिश में कीचड़ और बाढ़ समस्या बन जाती थी, जिससे चोट लगने के साथ साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता था। नमी ने खाई की दीवारों को कमजोर किया, जिससे उनके गिरने का सतत डर बना रहा। एक तोप की गोली से संकीर्ण खाई को बर्बाद करना कठिन था, जिसके एकमात्र प्रभावी उपाय था भारी गोलियों का इस्तेमाल। इस प्रकार पुरुषों को अक्सर कीचड़ और पानी में गोलियों के बीच संकोच की स्थिति में खड़ा होने का दृश्य देखा जाता है। सभी अगली महत्वपूर्ण हिट की प्रतीक्षा करते हैं। एक गोली खाई में गिरने पर यह नरसंहार होता था। खाई अब सुरक्षा नहीं देती, बल्कि विस्फोट को पुरुषों की ओर निर्देशित करती है। खाइयां जिगजैग पैटर्न में खोदी जाती थीं, दुश्मनों को रोकने के लिए। सैनिकों की कठिनाइयों को खराब खाद्य गुणवत्ता ने बढ़ाया। सख्त बिस्कुट उनके दांत तोड़ देते थे। बोरियत खाई की जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सैनिक सूर्योदय से पहले उठते थे, अपने हथियारों को तैयार करते थे, नाश्ता करते थे और खाई की मरम्मत और उपकरणों की सफाई करते थे। दोपहर के भोजन के बाद वे चले जाते थे। उनके पास कुछ घंटों की छुट्टी थी, जिसमें वे पत्र पढ़ते, लिखते या आराम करते थे। संध्या होने और सोने से पहले वे खाई में रहने के लिए वापस लौटते, जो सुरक्षा प्रदान करता था। हमले के दौरान उन्हें खाई छोड़नी पड़ती थी, जिससे कई की मृत्यु हो जाती थी। खाई से बाहर आने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी, जो उन्हें दुश्मन की आग के प्रति संवेदनशील बनाती थी। जनरलों के अनुसार वे खाइयों के बीच चलते, क्योंकि दौड़ना अनुशासन तोड़ देती थी। ये उन्हें मशीन गन की आग के लिए संवेदनशील बनाता था, जिससे बार बार नुकसान हुआ, जब तक कि दुश्मन को उनकी संख्या से ओवरवेल्म नहीं कर दिया गया।
यह संघर्ष दिसंबर 1914 से मार्च 1950 तक चला। सहयोगी ने जर्मन रेखा को तोड़ने के लिए शैम्पेन में जर्मन स्थितियों पर हमला किया। संचालन सफल था, लेकिन इसके फलस्वरूप 89,000 सहयोगी सैनिक मारे गए और 40,000 जर्मनों की जिंदगी की बलि दी गई। अभियान समाप्त होते ही ब्रिटिश ने नर्व चपेल युद्ध आरंभ किया, जिसका उद्देश्य जर्मनों द्वारा कब्जे में लिए गए शहर लिले को मुक्त करवाना था। जर्मन प्रतिरोध के कारण ब्रिटिश को रुकना पड़ा जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। दोनों पक्षों ने खुदाई शुरू की, जिसके कुछ समय बाद ब्रिटिश ने भेद डाला। हिल 60 पर जर्मन लाइनों के नीचे सुरंग खोदकर विस्फोटक प्लांट किए गए, जिसने जर्मनों को आक्रमण का संकेत दिया और ब्रिटिश को पहाड़ी पर कब्जा करने की स्वतंत्रता दी। कुछ दिनों बाद जर्मनों ने इसे फिर से कब्जा कर लिया। खुदाई और विस्फोटक स्थापित करने की यह तकनीक युद्ध चलते रहने पर दोहराई जाएगी। अप्रैल में जर्मनों ने घातक क्लोरीन गैस को नई हथियार के रूप में उन्मुक्त किया। 22वें को यप्रेस के लड़ाई में जर्मनों ने गैस हमला किया, जिसे फ्रांस की सेना ने धुआं समझा। इसने फ्रांसीसी सैनिकों को जहरीले प्रभाव से उजागर कर दिया। क्लोरीन गैस ने श्वसन अंगों को नष्ट कर दिया और फ्रांसीसी लाइनें गिर गईं। इस हमले के बावजूद दोनों पक्षों ने गैस का युद्ध में उपयोग जारी रखा। 1950 में फ्रांस और ब्रिटिश साम्राज्य बलों ने गैलापागोस में उत्तरवेशन की योजना बनाई, जिसे विंस्टन चर्चिल ने गठित किया। लेकिन जब नेवी ने उत्तरवेशन क्षेत्र की पहचान की, तो उन्होंने इसे बचाव करने की सलाह दी। चर्चिल ने अपनी योजना को अनदेखा करते हुए उत्तरवेशन को जारी रखने का आदेश दिया, जो 8 महीने चली और 3,02,000 सहयोगियों के हटने के साथ समाप्त हुई। हानियां गैलापागोस की दुर्घटना ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंडरों की चेतना में गहरी है। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि इसने उन देशों में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को जन्म दिया जो ब्रिटेन और क्राउन से स्वतंत्रता चाहते थे, एक विवाद जो अब भी चल रहा है। 1915 के 7 मई को एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसमें जर्मनों ने ब्रिटिश क्रूज लाइनर लुसितानिया को डुबो दिया। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे अमेरिकी मर गए, जिसने अमेरिका को सहयोगियों की ओर धकेल दिया। 1915 में युद्ध से बाहर रहने के बावजूद इटली ने 23 मई को केंद्रीय शक्तियों और पड़ोसी ऑस्ट्रो हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जल्दी विजय और क्षेत्रीय लाभ की आशा में। लेकिन पश्चिमी मोर्चे के समान यह भी खंडहर युद्ध में अटक गया, बहुत उच्च ऊंचाई पर, जहां ठंड ने हजारों जीवन ले ली। बर्फबारी ने खंडहर को बर्फ से भर दिया और कई घायल या मरे हुए सैनिक गायब हो गए। 2015 के बाद भी मरे हुए सैनिकों के शरीर मिलते रहे। पूर्वी मोर्चे पर रूस की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। उन्होंने 1915 में वर्षाव के कब्जे और हार का सामना किया। 1916 में ब्रिटेन को स्वयंसेवकों पर निर्भरता छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनकी सेना कमजोर हो गई थी और नई हमले की योजना थी। पहली बार सैन्य नियुक्ति का नियम बनाया गया, मुख्यतः शारीरिक रूप से स्वस्थ अविवाहित पुरुषों के लिए। धार्मिक या राजनीतिक आपत्तियों के आधार पर सेवा का इनकार किया जा सकता था। ऐसे आपत्तिकर्ता को समुदाय और स्थानीय समाचार पत्रों ने नकारा और उन्हें बदनाम किया। मई 1916 में जर्मन नौसेना ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी पर उत्तरी सागर में हमला करने की योजना बनाई थी, जिससे वे यूरोप के बाहरी समुद्री मार्गों पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते। उनकी योजना में ब्रिटिश युद्धपोतों के बेड़े पर एडमिरल सर डेविड बीटी की कमान में हमला करना और उन्हें खुली युद्ध में लाना शामिल था। हालांकि ब्रिटिश ने इस योजना को पहले ही खोज लिया था और अपना बेड़ा सक्रिय कर दिया था। दोनों पक्ष 31 मई 1916 को जुटलैंड के युद्ध में मिले। यह युद्ध की सबसे बड़ी नौसेना संलग्नता थी। 250 जहाज और 1,00,000 पुरुष शामिल थे।
एडमिरल रायनहार्ड शीर के नेतृत्व में जर्मन बेड़े ने सबसे आधुनिक जहाजों और श्रेष्ठ हथियारों का उपयोग किया। फिर भी रॉयल नेवी अंततः उनकी ओर से शुद्ध संख्याओं के भार के चलते विजयी हुए। ब्रिटिश ने 14 जहाज और 6,000 से ज्यादा पुरुषों की हानि झेली, फिर भी बड़े युद्ध तैयार बल को मैदान में लाए, जबकि जर्मन, जिन्होंने 11 जहाज, 2,500 पुरुष और अन्य क्षतियों का सामना किया, पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर थे और इसीलिए घर के लिए वापसी की। जर्मन बेड़े ने फिर कभी रॉयल नेवी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। समुद्री युद्ध मुख्य रूप से लड़े गए। ब्रिटिश शिपिंग पर जर्मनी के यूबोट्स ने गंभीर क्षति पहुंचाई। कैसर के यूबोट अभियान की वजह से ब्रिटेन को लगभग भूखमरी का सामना करना पड़ा। 1 जुलाई 1916 को ब्रिटिश ने सोम नदी पर जर्मनों पर महान हमला किया। युद्ध की शुरुआत में जोरदार तोपखाना हमला हुआ और जर्मनों द्वारा बनाई गई अधीनस्थ सुरंगों में विस्फोट हुए। 99 फीट चौड़े गड्ढे छोड़ गए। पहले दिन ब्रिटिश सेना ने 19,000 सैनिकों की मृत्यु और 40,000 घायलों का सामना किया। इतिहास में सबसे खराब दिन। सोम की लड़ाई नवंबर तक चली। सहयोगियों को महत्वपूर्ण विजय मिली, लेकिन 1.2 मिलियन से अधिक पुरुषों की कीमत चुकानी पड़ी। खड़ों को तोड़ने की जरूरत, एक कृषि ट्रैक्टर पर आधारित और रॉयल नेवी इंजीनियर द्वारा विकसित नई हथियार टैंक का परिचय हुआ। इसे भूमि जहाज के नाम से जाना गया, लेकिन इसे जलवाहक बना रहे थे, जिससे टैंक नाम चिपक गया। टैंक ने 15 सितंबर 1916 को सोम हमले में डेब्यू किया। बारबेड वायर को उल्टा और दुश्मन की स्थितियों को हल कर दिया। उनका प्रभाव इतना महान था कि वे बिना किसी सजा के भविष्य की लड़ाई की योजना का अहम हिस्सा बन गए। जर्मनों ने खुद के सुपर टैंक की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर उन्होंने ब्रिटिश और फ्रेंच टैंकों का उपयोग किया। 1917 जो अब तक की सबसे खूनी लड़ाई का वर्ष था, न सिर्फ युद्ध बल्कि उस साम्राज्यों का अंत भी देखेगा जिन्होंने युद्ध आरंभ किया था। यूरोप में साम्राज्यवादी युद्ध नया नहीं था, परंतु पहले कभी इतने विस्तृत रूप में नहीं देखा गया। अधिक मृत्युएं और पीड़ा की गवाही दी। समाजवाद और राष्ट्रवाद के नए सिद्धांतों के चलते महाशक्तियां अभ्यंतरीण क्रांति से जूझ रही थीं। युद्ध के बढ़ते दौरान ब्रिटेन को 1916 के ईस्टर पर पहला विद्रोह दिखाई दिया। आयरिश गणतंत्रवादी ने युद्ध में व्यस्त ब्रिटेन के विरुद्ध डबलिन में विद्रोह की कोशिश की, जिसे वे दबा नहीं पाएंगे, ऐसा उनका विचार था। लेकिन एक सप्ताह की लड़ाई के बाद विद्रोह को दबा दिया गया और 450 से अधिक लोग मरे। फिर भी ये विद्रोह ने 1919 में आयरलैंड गणराज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि उत्तर पूर्वी आयरलैंड ब्रिटिश शासन में रहा। गणतंत्रवाद और आतंकवाद के साथ साथ ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने का निर्णय आज तक विवादित है। 1916 में ऑटोमन साम्राज्य ने अरब विद्रोह का सामना किया, जो सीरिया से यमन तक एक नई अरब साम्राज्य की मांग कर रहा था। युद्ध अंत तक चला, जिसने ऑटोमन साम्राज्य को 1922 में गिरने का कारण बनाया। रूस में तसार का देश पर नियंत्रण शासन काल में संदिग्ध था। युद्ध ने क्रांतिकारियों, खासकर लेनिन के नेतृत्व वाले मार्क्सवादियों की मांगों को बढ़ाया। सेना में अनुशासन टूट गया था, क्योंकि रूसी सैनिक एक के बाद एक पराजय सहन कर रहे थे, जिसने अधिकारियों को चरम उपायों की तरफ धकेल दिया। इस दौरान रूसी अर्थव्यवस्था 1917 में देश भर के श्रमिक हड़ताल पर चले गए, रूस को संकटमय कर दिया। सार निकोलस द्वितीय ने अपनी जगह खाली की और देश को अस्थाई सरकार के हवाले कर दिया, जिसे फरवरी क्रांति कहते हैं। अस्थाई सरकार कमजोर साबित हुई और रूस अस्थिर दिखाई पड़ा। लेनिन ने अपने बोल्शेविक बलों के साथ 1917 में एक और क्रांति की,
जिससे रूसी गृह युद्ध उगला जो महीनों बाद शुरू हुआ। लेनिन के बोल्शेविक ने समझा कि वे केंद्रीय शक्तियों और गृह युद्ध से नहीं लड़ सकते, इसलिए काइजर के साथ समझौता शुरू कर दिया। 3 मार्च 1918 की संधि ने बड़े रूसी क्षेत्रों का हस्तांतरण जर्मनों को किया। यह उनकी पश्चिमी युद्ध में सहायता करने की आशा थी। दुश्मनता के अंत से पूर्वी मोर्चे पर जर्मन और ऑस्ट्रो-हंगेरियन सैनिकों का पश्चिम में अधिक समर्पण देखा गया। 1917 की रूसी क्रांतियों ने पश्चिमी मोर्चे पर बड़ा प्रभाव डाला, खासकर जब 1917 के वसंत और गर्मियों में फ्रांसीसी सेना में विद्रोह हुआ। अपनी सफलता की कमी और रूसी क्रांतिकारियों के प्रभाव से फ्रांसीसी इन्वेंट्री ने अपने अधिकारियों के विरोध या फ्रंटलाइन इकाइयों की राहत के लिए खाइयों में वापस जाने से इनकार कर दिया। फ्रांसीसी इकाइयों ने खुले मोर्चे की लड़ाई से बचने के बावजूद विद्रोही सेना ने उनके मनोबल को कम किया, जो अमेरिकी बलों के आगमन के बाद ही पुनः बढ़ा। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध प्रारंभ होने पर तटस्थ रुख अपनाया था, जो उन्हें लाभ देने वाला था, चूंकि उन्हें युद्ध सामग्री उत्पादन का अवसर मिला। हालांकि ब्रिटिश नाकाबंदी के कारण जर्मनी के लिए निर्धारित सामग्री का अधिकांश उपयोग फ्रांसीसी सेना की आपूर्ति में हुआ। लुसिटानिया के डूबने और अमेरिकी जीवन की उच्च हानि के बाद वॉशिंगटन में राय बदली और अमेरिका को ब्रिटेन और फ्रांस के साथ युद्ध में जोड़ने का अभियान शुरू हुआ। यह अभियान सफल हुआ। कांग्रेस ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी पर युद्ध का मतदान किया। फिर भी अमेरिकी सजावट शुरू में धीमी थी। ब्रिटिश तैनाती के साथ अमेरिकियों ने 5 जुलाई 1917 को अमेरिकी सेना का गठन किया। जनरल जॉन पर्शिंग के नेतृत्व में फ्रांस की ओर सैनिक यात्रा शुरू हुई। हालांकि युद्ध की पहली गोलियां अमेरिकी सैनिकों ने 21 अक्टूबर तक नहीं चलाईं। 1918 में धीमी शुरुआत के बावजूद अमेरिकी सैनिक अंततः महत्वपूर्ण संख्या में पहुंच रहे थे, दिन में कभी कभी 10,000 तक। 1918 में केंद्रीय शक्तियां युद्ध के दबाव से कमजोर हो रही थीं। नाकाबंदी और सैनिकों को खिलाने की चुनौतियों के बावजूद अमेरिकी सैनिकों को वापस और फ्रांस लौटने के लिए मजबूर किया गया। 1918 में ऑस्ट्रो-हंगरी में इन्फ्लुएंजा के कारण खाद्य संकट और बढ़ गया। एक प्रकोप ने सीमाओं के चिकित्सा संसाधनों को तनावित कर दिया। ऑस्ट्रो-हंगेरियन सेना वास्तव में जर्मन अधिकार में थी, लेकिन उनकी विफलता और क्रांति के चलते 1918 की शरद ऋतु तक उन्होंने अपनी स्थिति त्याग दी और शक्ति को राष्ट्रीय परिषदों को सौंप दी। परिषदों ने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की, लेकिन अपने हित में नहीं थे और ऑस्ट्रो-हंगेरी टूट गई। अंततः 1918 के अंत तक काइजर ने जर्मनी पर अपना नियंत्रण खो दिया। 1918 के मार्च में जर्मनों को वसंत आक्रमण में, जिसमें पश्चिमी मोर्चे पर अमेरिकी सेनाओं की बड़ी संख्या शामिल थी, लड़ते हुए कठिनाई हुई। 1.5 मिलियन से अधिक पुरुषों की मौत हुई, जिसमें 6,80,000 से अधिक जर्मन थे। फिर वर्ष के बाद में मित्र देशों ने युद्ध समाप्त करने के लिए अंतिम प्रयास किया, जिसमें कुछ उचित रूप से युद्ध की सबसे खूनी लड़ाई हुई। 100 दिनों का हमला अगस्त और नवंबर 1918 के बीच लड़ी गई एक श्रृंखला की लड़ाई थी और इसमें चौंका देने वाले 1.8 मिलियन घायल हुए, जिनमें 7,80,000 जर्मन और शामिल थे। ऑस्ट्रो-हंगरी ने युद्ध नैरल्य समाप्त कर दिया था और ऑटोमन ने 1918 के अक्टूबर में मित्र देशों से शांति की। ऐसे नुकसान किसी भी देश के लिए सहनयोग्य नहीं था। सहयोगी देशों को फ्रांस से और जर्मनों को देश से विदाई करने का दबाव था। सैनिकों की मृत्यु, घाव, भोजन की कमी और इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के कारण जर्मनी ने ऑस्ट्रो-हंगरी के समान संघर्ष किया। युद्ध समाप्त होते हुए और सत्ता कमजोर होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने घोषित किया कि कैसर शांति वार्ताओं में नहीं होंगे। बर्लिन के विद्रोह और जर्मन नेवी की बगावत के बाद उन्होंने 9 नवंबर 1918 को सिंहासन त्याग दिया। नई नागरिक सरकार ने उनके बाद शांति की याचिका दायर की और 11 नवंबर को सुबह 11 बजे तोपें शांत हो गईं। महायुद्ध समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप 17 मिलियन से अधिक लोग मर गए, 20 मिलियन से अधिक लोग घायल हुए, कई का जीवन बदल गया।
इन आंकड़ों की समस्या यह है कि वे नजरअंदाज होते हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप वर्षों और दशकों तक युद्ध के जारी रहने का तथ्य। युद्ध ने रूस के बोल्शेविकों को सत्ता प्राप्त करने की संभावना दी। यह ने एक गृह युद्ध का आगाज किया जो एक साल तक चलेगा, जिसमें अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और जर्मन सैनिक एक ही पक्ष में लड़ेंगे। अंततः वे असफल होने पर लेनिन इंपीरियल रूस के अवशेष से सोवियत संघ स्थापित करेंगे। रूसी गृह युद्ध में अनुमानित 3 मिलियन लोग लड़ाई भूखमरी के माध्यम से मर जाएंगे। इसके अलावा इस कम्युनिस्ट सुपर पावर का जन्म इसे पश्चिम के खिलाफ भी देखेगा और अंततः ठंडे युद्ध का उदय होगा, जो बारी बारी से दुनिया भर में लड़े गए कई प्रतिनिधि युद्धों की ओर ले गया। यह दुनिया को परमाणु संयोग की कगार तक ले जाएगा। हालांकि हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि रूसी क्रांति न होती, पर प्रथम विश्व युद्ध ने लेनिन की योजनाओं की रफ्तार बढ़ा दी थी। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के साथ ईसाइयों का व्यापक नरसंहार होगा और महायुद्ध के आरंभ होने वाले सर्बिया और बोस्निया को ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अंत के बाद युगोस्लाविया बनाने के लिए बलपूर्वक विवाह में ले जाया जाएगा। युगोस्लाविया ने अपने जीवन काल भर जातीय तनावों का सामना किया, जिसके फलस्वरूप 1990 के दशक में कई रक्त रंजित गृह युद्ध हुए, जहां व्यापक जातीय सफाई का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। युद्ध के विजेताओं को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। ब्रिटेन और फ्रांस कठिन युद्धोत्तर अवधि सहन करेंगे। युद्ध की आर्थिक और सामग्री लागत ने उनकी शक्ति को कम किया और पुनर्निर्माण ने उन्हें प्रतिस्पर्धा में देखा। पुरानी अंग्ल फ्रेंच प्रतिस्पर्धा और संदेह ने फिर से उठाया और दोनों पक्षों ने चुपचाप अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, जिसे उन्होंने संभावित देखा। फ्रांस में खासकर यह भावना थी कि ब्रिटेन फ्रांस को कमजोर करने का प्रयास कर रहा था। फ्रांस की कूटनीति को कमजोर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रिटिश स्टर्लिंग के पक्ष। ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोगी जापान ने भी महसूस किया कि पश्चिम ने उन्हें धोखा दिया है, जिन्होंने वॉशिंगटन नौसेना संधि के जरिए विश्व मंच पर हथियार सीमांकन आरंभ किया था, जिसने युद्धपोत निर्माण की सीमा तय की थी। इन संधियों का उद्देश्य हथियार दौड़ रोकना था, पर अमेरिका और ब्रिटेन के पक्षधारिता ने जापान की राय को खराब कर दिया और उन्हें अपनी साम्राज्य विस्तार की मांग उठाने पर मजबूर किया। महायुद्ध के दोष काइजर पर सीधे लगाए गए थे, परंतु जर्मन लोग इसके पीड़ित हुए जब वह हॉलैंड में निर्वासित हुए। वर्साय की संधि ने जर्मनी को न केवल युद्ध शुरू करने के लिए दोषी मानने के लिए बाध्य किया, बल्कि उसे किसी देश पर कभी लगाए गए सबसे कठोर शर्तों द्वारा अपमानित और दबाया गया था। शायद किसी से ज्यादा एक व्यक्ति संधि की शर्तों से घृणा करता था। वह बढ़ती पार्टी छोड़ने जा रहा है और वही ऐसा करने योग्य है। जर्मनी में एक पार्टी ने प्रतिज्ञा की थी कि वर्साय संधि को समाप्त करके जर्मनी को पूर्ण महान बनाएगी। उनका नाम अडोल्फ हिटलर था।